इरवावी। चलो चलो कहानी सुनने चले, सब तैयार? एक दो तीन। कावेरी और शिवा मकड़े मकड़िया देखने निकले, साथ में उनकी शमा दीदी भी है, तो चलिए ना हम भी चले। कहानी का शीर्षक है चलो चले मकड़ियों से मिलने। ओरिजिनल स्टोरी ऑफ टू सी स्पाइडर्स बाय वेणा कपूर, हिंदी में अनुवाद किया है स्वागता सेन पिल्लई और चित्र बनाए हैं पिया मीनाक्षी। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। हम तो चले देखने मकड़े मकड़ियां, कुछ छोटे राई जितने, कुछ बड़े थाल के जैसे। कितने मकड़े कितनी मकड़ियां, हमारा सिर खाए फिरकियां। वो चीटी है या मकड़ी, कावेरी चकराई। दिखने में तो चीटी लगे लेकिन उसकी टांगे है 8। अरे भाई चीटियां भी तो कीट है, सबकी 6 टांगे होती है। लेकिन तुमने सही कहा, इसकी तो है पूरी 8। और दिखने में है ये चींटी जैसी, शिवा भी हैरान था। तुम दोनों सही हो, शमा बोल पड़ी, ये तो है चींटी जैसी मकड़ी, अंग्रेजी में एंट मिमिक स्पाइडर। कावेरी और शिवा को शमा दीदी के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता था। वो वन्य प्राणी विज्ञानी बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी, उसे जंगली जीवों के बारे में ढेरों बातें मालूम थी और पेड़ पौधों के बारे में भी। तभी कावेरी को एक छोटू सा मकड़ा दिखा जो चुपचाप एक पत्ते में लिपटा हुआ था। इसे सैक स्पाइडर कहते हैं। तुम्हें यह दिख कैसे गया, शिवा ने पूछा। जब हम मकड़े मकड़ियों के निशान पहचानने लगते हैं तब ये हमें चारों ओर दिखने लगते हैं, शमा मुस्कुरा कर कहती है। हम तो चले देखने मकड़े मकड़िया, कुछ मोटे कुछ छोटे, कुछ बालों वाले, सभी की 8-8 टांगे। डरो मत भाई, ये कुछ नहीं करने वाले। अरे अरे वो तो केकड़े जैसा है, शिवा एक पीले फूल को करीब से दिखाते हुए बोला। हाँ, शमा बोली, इसे अंग्रेजी में क्रैब स्पाइडर कहते हैं। देखो तो कैसे इसने फूल का रस चूसने आई एक बेचारी मधुमक्खी को दबोच लिया। ये तो दिखने में एकदम फूल जैसा ही पीला है, इसीलिए बेचारी मक्खी इसे देख नहीं पाई होगी, कावेरी ने कहा। देखो देखो, शिवा चिल्लाया। उसने नीचे नमी वाली जमीन की ओर इशारा किया। एक मकड़ी धीरे चली जा रही थी। ये एक वुल्फ स्पाइडर थी जो पीठ पर अंडों की थैली लादे चल रही थी। एक और एक और, अरे सैकड़ों छोटे छोटे मकड़े इसकी पीठ पर लदे हुए हैं, शमा ये देखकर चकित थी। हम तो चले देखने मकड़े मकड़ियां, लेकिन कहां कहां भाई कहां। अरे भाई घास पर, पत्तों पर, फूलों पर भी है, हर चीज पर, हर तरफ मकड़े और मकड़ियां। शिवा मजे से एक पेड़ से टिक के खड़ा था कि अचानक वो डर से उछल पड़ा। बिजली की तेजी से कुछ निकल गया। देखा कितनी अच्छी तरह ये दो पूछे मकड़े पेड़ की छाल से घुल मिल जाते हैं। इन्हें टू टेल्ड स्पाइडर कहा जाता है, शमा ने बताया। ये देखो इसे, ऐसे लगता है मानो इसकी 4 ही टांगे हैं, कावेरी ने उत्सुकता से एक झाड़ी की ओर इशारा किया। मकड़े ने दो टहनियों के बीच एक बड़े पहिए जैसा जाल बन रखा था। कितना सुंदर आड़ा तिरछा नमूना है इसकी बुनावट का, ये तो पक्का क्रॉस स्पाइडर का जाल होगा, शमा ने चहक कर उन्हें बताया। हम तो चले देखने मकड़े मकड़ियां, अब तक हमने देखे कितने सारे, देखो यहां घास पर कोई सुंदर जाल बुन रहा, कैसे कर लेते हैं ये सब मकड़े मकड़ियां।
आगे चलकर तीनों को महीन चादरों जैसे जाले दिखे। ये शीट एंड टनल स्पाइडर का कमाल था। कितने सारे जाले, ये बारीक चादरों जैसे लगते हैं, है ना? कावेरी इन्हें देखकर खुश थी। ये जो टिड्डा इस जाल में फंसा हुआ है, जल्दी ही इनका भोजन बनेगा, शिवा ने टिड्डा दिखाते हुए कहा। ठीक कहते हो शिवा, चलो अब घर चले। शमा ने घड़ी की ओर देखा और कहा, मुझे कल की एक क्लास के लिए पढ़ाई करनी है। ये सुनते ही कावेरी और शिवा के चेहरे मुरझा गए। तुम लोग चिंता मत करो, घर में भी देखने को बहुत कुछ है, शमा बोली। घर लौटते ही शमा घरों में रहने वाले मकड़े मकड़ियां ढूंढने लगी। वो देखो, लंबी टांगों वाला डैडी लॉन्ग लेग स्पाइडर। कितनी हंसी आती है इन्हें देखकर, कावेरी ने कहा। ये उल्टे लटकते रहते हैं और इनकी टांगे देखो कितनी लंबी होती है। हमने देखे कितने अनोखे मकड़े मकड़ियां घास में, पेड़ों पर, फूलों पर, सब जगह। आओ घुटनों के बल चले और ध्यान से नीचे देखे, शायद खाट के नीचे दिख जाए मकड़े मकड़ियां। मकड़ा जानकारी, आइए उन मकड़ों से मिले जिन्हें कावेरी, शिवा और शमा ने देखा। दो पुच्छे या टू टेल्ड स्पाइडर, इन्हें अपना ये नाम लंबी टांगों जैसे जाले बुनने वाले अंगों से मिला है, जो देखने में पूंछ जैसे लगते हैं। सपाट शरीर वाले ये मकड़े पेड़ों के तने और दीवारों से अच्छे से मेल खाते हैं। एंट मिमिक स्पाइडर, चींटी जैसे दिखने वाले ये मकड़े मकड़ियां चींटियों जैसा ही बर्ताव करते हैं। ये उन जीवों को चकमा देने में सफल रहते हैं जो मकड़े खाते हैं। क्रैब स्पाइडर, ये मकड़े अपनी मजबूत और लंबी अगली दो टांगों को शिकार का इंतजार करते हुए और फैला के रखते हैं। इससे ये बिल्कुल केकड़े जैसे दिखते हैं। वुल स्पाइडर, इन्हें अक्सर नमी वाली जमीन पर देखा जा सकता है, जहां पत्ते और छोटी झाड़ियां उगी हुई हो। इस प्रजाति की मकड़ियां अपनी पीठ पर अंडों की थैली लेकर चलती है। समय पूरा होने पर सैकड़ों नन्हे मकड़े इनसे निकलकर उनकी पीठ पर चढ़ जाते हैं और कई दिनों तक वही रहते हैं। सैक स्पाइडर, पत्तों को लपेटकर उनके बीच लचीली रेशमी रेशों से बने थैलियों में रहने वाले ये मकड़े अपने इन घरों से तभी बाहर आते हैं जब इन्हें भोजन की जरूरत पड़ती है। शीट एंड टनल स्पाइडर, ये बहुत ही महीन और सुंदर जाले बुनते हैं जो रेशमी चादर जैसे दिखते हैं। जाल के एक छोर पर सुरंग जैसी एक जगह छुपकर बैठने के लिए भी होती है। जो ही कोई कीड़ा जाल में फंसता है, ये सुरंग से निकलकर उस पर झपट पड़ते हैं। डैडी लॉन्ग लेग स्पाइडर, ये साधारण घरेलू मकड़े मकड़ियां हैं जो घरों के अंदर पाए जाते हैं। इनके जाले थोड़े से गंदे से लगते हैं, लेकिन ये इनमें हमें परेशान करने वाले ढेरों कीड़े पकड़ लेते हैं। क्रॉस स्पाइडर, जब ये मकड़े मकड़ियां अपने बड़े पहिए जैसे जाल बन रहे होते हैं, तो अंग्रेजी के अक्षर एक्स ऐसे दिखते हैं, इसलिए इनका नाम क्रॉस स्पाइडर है। इन्हें सिग्नेचर स्पाइडर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जालों के आड़े तिरछे नमूने अनोखे होते हैं। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।